दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में, विवेक आंसर्स के नए एपिसोड में, 136 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जान लेता हूं मैं आपके क्वेश्चंस, देता हूं उनके आंसर्स अगले वाले एपिसोड में आना है। और अगर आपके पास कोई यूनिक क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, वहीं से मैं पिक करता हूं और कहीं से पिक नहीं करता। चलिए चलते हैं पहले पिछले हफ्ते के पोल की तरफ। पिछले हफ्ते क्वेश्चन मैंने पूछा था, आपके हिसाब से सबसे सही फास्ट चार्जिंग टेक कौन सी है, मतलब स्पीड जो है फास्ट चार्जिंग की सबसे सही वाली कौन सी है, 18 वैट या उससे कम वाली, 30 से 33 वैट वाली, 67 से 80 वैट वाली, 100 या उससे कम वाली, या फिर मोर देन 100। करीब करीब 5,500 लोगों ने वोट किया हुआ है जिसमें सबसे ज्यादा 67 से 80 वैट को वोट दिया गया है, 58%, ऑलमोस्ट 10 में से 6 लोग 67 से 80 वैट को सपोर्ट करते हैं। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद 30 से 33 वैट वाला जिसपे, इसपे 24% है, तो ऑलमोस्ट समझ लो कि 85 तो यही हो गए, 82-85 के आसपास। 18 वैट है उससे कम वाले 7% लोग हैं, 4% 100 या उससे कम पे जा रहे हैं, और 6% ऐसे हैं जो उनको सुपर फास्ट चार्ज चाहिए, सबसे तगड़े वाले। चलिए मेरे हिसाब से सबसे सही फास्ट चार्जिंग मेरे हिसाब से 30 वैट के आसपास जो है ना वो सही होती है मेरे हिसाब से, बाकी अपनी अपनी चॉइसेस से। चलिए इस हफ्ते का पोल का क्वेश्चन, जाइए कम्युनिटी सेक्शन में पोल करके बताइए कि फोन लेते टाइम आपके लिए इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है। सब कुछ नहीं बोलना है, कोई एक चीज अगर आपको पिक करनी पड़े तो इन सब में से कौन सा पिक करोगे, ठीक है? डिस्प्ले डिजाइन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस एंड यूआई यानी चिपसेट और यूजर इंटरफेस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैमरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, फैक्टर कैमरा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बाकी आप बताइए जाके, बैटरी एंड चार्जर, और लास्ट में अदर फैक्टर्स, मतलब बाकी सारी चीजें छोटी मोटी आ गई हो, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए, 5G होना चाहिए, 3.5mm जैक होना चाहिए, कार्ड स्लॉट होना चाहिए, ये अदर वाले फैक्टर लास्ट वाले में, तो अगर आप उसमें जाना चाहते हो उसको क्लिक कर सकते हो। मेरे लिए पहला जो है वो कैमरा है ऑब्वियसली, उसके बाद परफॉर्मेंस एंड यूआई, एंड थर्ड पे डिजाइन और डिस्प्ले आता है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी फैक्टर्स में है, तो प्राइमरी मेरे लिए कैमरा होता है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है जितेंद्र की तरफ से, Samsung S21 FE versus OnePlus 11R दोनों में कौन अच्छा है? दोनों के अपने अपने पॉइंट्स हैं, अगर आपको UI सबसे बेटर चाहिए तो आप OnePlus की तरफ जा सकते हो, One UI 5.1 काफी अच्छा है, एंड इसके अलावा कैमरा, बाकी Samsung को छोड़ के अगर आपको OnePlus में जाना है तो डिजाइन अगर आपको अच्छी चाहिए, देन इसके साथ साथ अगर आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए तो आप OnePlus 11R की तरफ जा सकते हो, तो दोनों के अपने अपने पॉइंट्स हैं। Samsung का एक वीक पॉइंट है उसका बैटरी, वो ज्यादा बड़ा वीक पॉइंट है उसका, बाकी सारी चीजें, हाँ बैटरी अगर आपको चाहिए तो OnePlus की तरफ जा सकते हो अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र की तरफ से, मोटो वर्सेस इन्फिनिक्स एनी डे मोटो। सतीश गावड़े की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी कब जाएंगे? वाराणसी मई में, अर्ली में, स्कूल्स बंद होंगे ना उस टाइम पे, फर्स्ट मई को लास्ट डे होता है उसके बाद एक महीने के लिए। सुभाषीष दास की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15,000 रुपीज के 4G और 5G फोन लेना बेस्ट रहेगा? ले सकते हो, हमें मिनिमम 3 years यूज करूंगा, हाँ अगर आपको कोई बहुत ज्यादा चीजें अच्छी नहीं चाहिए, मतलब डिसेंट स्मार्टफोन चाहिए तो आप ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल के लिए 4G अगर ले रहे हो तो मैं कहूंगा अच्छा है, मोटो G72 15,000 तक आ रहा है सारे कार्ड के ऑफर लगा के, 16,000 का है, कार्ड लगाओगे तो 15,000 में आ जाएगा, काफी अच्छा फोन है G72, 4G है लेकिन अच्छा है। 5G में पोको X4 Pro देख सकते हो, 15,000 के आसपास वो भी आ रहे हैं, तो ये दोनों अच्छे स्मार्टफोन से देख सकते हो उनकी तरफ। शुभम की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, Vivo V27 का कर्व डिस्प्ले कम होगा क्या एज कम्पेयर टू V27 Pro? नहीं, सेम डिस्प्लेज है, एकदम सेम, एग्जैक्ट सेम है, खाली चिपसेट अलग है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जवल की तरफ से, हाय सर कैसे हो? मैं अच्छा हूँ उज्जवल, आप बताओ कैसे हो? सर अगर यूट्यूब में ज्यादा हाई रिजोल्यूशन में वीडियो देखने पर यूट्यूबर को क्या बेनिफिट होता है? कोई बेनिफिट नहीं होता, वो आपके लिए होता है, रिजोल्यूशन जो एड आते हैं सिर्फ उसी से यूट्यूबर को थोड़े पैसे मिलते हैं और कोई बेनिफिट है, उसके अलावा अगर उसने कुछ स्पॉन्सर कर दिया या फिर आपने कोई लिंक यूज कर लिया नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में तो वहां से होता है, ऐसा रिजोल्यूशन से यूट्यूबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष गुप्ता की तरफ से, V27 कैसा फोन है? सही है, अच्छा है मेरे हिसाब से, कुछ सारे ऑफर लगा के 27,000 तक आएगा शायद, 23 तारीख को पहला सेल है, लेना चाहिए या फिर OnePlus Nord 3 का वेट कर? OnePlus Nord 3 ये 35,000 के आसपास का फोन है, 30,000 से 35,000 के आसपास का, V27 भी 30,000 पे ही आ रहा है, एंड लेकिन नॉट 3 का चिपसेट, अगर परफॉर्मेंस आपको बेटर चाहिए तो नॉट 3 ज्यादा बेटर होगा, हाँ बाकी एस्थेटिक्स आपको अच्छे चाहिए, मतलब डिस्प्ले डिजाइन सारी चीजें, तो आप V27 की तरफ देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मण कदम की तरफ से, Samsung S23 FE कब तक आएगा और क्या इसके अंदर
SD8 प्लस Gen 1 इस SoC में आने वाला है। देखिए फैन एडिशन जो होता है ना, ये प्रीवियस स्मार्टफोन का जो उनका वेनिला वेरिएंट होता है ना, उसके चिपसेट के साथ नॉर्मली आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो अभी तक 2-3 आए हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि जो S23 है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, अगर यही फॉलो करते हैं तो उसी के ऊपर आएगा, 8 Gen 2 के ऊपर। एंड मिनिमम आप जो 8 Plus Gen 1 कह रहे हो तो मेरे हिसाब से उस पर तो आएगा ही आएगा, या तो उससे बेटर चिपसेट पे आएगा। कब आएगा? सेकेंड हाफ ऑफ 2023। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो जुलाई से लेके दिसंबर तक का टाइम होगा उसके बीच में पॉसिबली आपको ये देखने को मिलेगा। तो अभी कोई ऐसा कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन उसी टाइम आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाम खान की तरफ से। सर पिक माय क्वेश्चन, सैमसंग गैलेक्सी M54 कब लॉन्च होगा, सही टाइम बता दो। भाई मैं उनका ओनर नहीं हूं तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता। नॉर्मली जब ए सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं उससे 1.5 से 2 महीने के बाद एम सीरीज का स्मार्टफोन आता है। तो A54 जो है ये 16 तारीख को लॉन्च हो रहा है इंडिया में, तो उससे 1.5-2 महीने आप समझ लो, तो एंड ऑफ अप्रैल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उस टाइम के आसपास अर्ली में या फिर एंड ऑफ अप्रैल के आसपास आपको M54 इंडिया में देखने को मिलेगा पॉसिबली। पन्नालाल की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक सर iQOO Z7 Pro के लिए वेट करना चाहिए या पोको X5 Pro? iQOO Z7 Pro का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, iQOO Z7 लॉन्च हो रहा है फिलहाल के टाइम पे। पोको X5 Pro 20 से 25 K के अंडर ले बेटर होगा। अभी iQOO Z7 Pro का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। iQOO Z7 आ रहा है 21 तारीख को, वो भी सही है, 18,000 के आसपास आएगा प्राइस में। अदरवाइज पोको X5 Pro तो 23,000 के आसपास है, देखना चाहते हो उसको देख सकते हो। अभी iQOO Z7 Pro का कोई भी इन्फॉर्मेशन है नहीं कि आएगा भी या नहीं आएगा या कब आएगा, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन यादव की तरफ से। हेलो विवेक भाई, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ पवन, आप बताओ कैसे हो। OnePlus 11R हैज ड्रैगन टेल स्टार 3 प्रोटेक्शन इन फ्रंट, कैन इट बी सेफ जस्टिफाई अकॉर्डिंग टू प्राइसेस कंपेयर टू गोरिल्ला ग्लास 5? टूटता गोरिल्ला ग्लास 5 ही है, ठीक है, गिरा के देख लो कभी ट्राई करके। ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स ने यूज किया इसलिए नाम ज्यादा हो गया है, ऐसा नहीं कि गोरिल्ला ग्लास 5 टूटता नहीं है। ठीक है, एंड ड्रैगन ट्रेल इसके पहले ओप्पो के किसी स्मार्टफोन में यूज हुआ था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, एंड ठीक है वो भी अच्छा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन It is safe, justify according to price compare with Gorilla Glass 5. It has 3D curved display, so suggests that it has more advantages or disadvantages. लोग कहते हैं curved है तो obviously गिर के टूटने के ज्यादा chances होते हैं, but ऐसे cases बहुत कम आते हैं। Depend करता है कि आप कैसे उसको handle करते हो। ठीक है, अगर flat display रहेगा वो भी गिरेगा तो टूट जाएगा। And ऐसा नहीं कि Gorilla Glass 5 better है Dragon Trail से या Dragon Trail खराब है उससे। Gorilla Glass क्या है कि बहुत ज्यादा brand ने use कर लिया तो एक नाम हो गया है। मेरे हाथ से गिर के गोरिल्ला ग्लास 5 भी टूटा हुआ है, और भी बहुत ज्यादा ऊपर से नहीं, 1.5 फीट ऊपर से। तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि गोरिल्ला ग्लास 5 टूटता नहीं है, क्लियर? तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, सही है, ड्रैगन ट्रेल भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साजन की तरफ से, SP साजन दुलारा। ओके सर जी, under 30K में सैमसंग S20 FE 5G लेना ठीक रहेगा, कोई दूसरा ऑप्शन? 32,000 तक तो आपको S21 FE आ रहा है, वो ले लो, काफी सही ब्रांड है, काफी सही स्मार्टफोन है, इसी का सक्सेसर है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। S21 FE 32,000 सारे कार्ड ऑफर लगा के। संजू की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर रियलमी GT Neo 5 इंडिया में कब तक आएगा एंड प्राइस क्या होगा? GT Neo 5 आपको 35,000 के आसपास चालू होगा, ठीक है, एंड अगले 1 महीने में पॉसिबली देखने को मिल जाएगा ग्लोबल के साथ साथ, ये इंडिया में 1-10 दिन बाद ऐसा समझ लो इंडिया में भी आ जाएगा। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रैल में, मिड अप्रैल के आसपास आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल राय की तरफ से, मोटो G72 की प्राइस 15K के अंडर आएगी, एनी चांस? अभी तो 16K में मिल रहा है, कार्ड ऑफर लगा के आपको 15,000 तक आ रहा है, जाइए ले लीजिए भाई, फ्लिपकार्ट पे सेल चल रहा है, 15,000 तक चलेगा, उसके पहले जाइए ले लीजिए। हसन खान की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक आंसर बेस्ट TWS अंडर 2500 प्रायोरिटी गुड साउंड एंड बैटरी। ओके, OnePlus का Nord TWS है, ठीक है, Nord का 2700 का प्राइस है, 2700 के आसपास, एंड अभी तो ICICI कार्ड के ऊपर ऑफर चल रहा है तो 200 का ऑफ मिल जाएगा उसके ऊपर, तो वो भी देख सकते हो, सही है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मेरे हिसाब से 2500 के आसपास, देख सकते हो उसकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर, मेरे भाई ने लिया हुआ है इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। सोमनाथ की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैशटैग विवेक आंसर, क्या 45W 67W 200W 240W के मोबाइल चार्जर से इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है? चार्जर से शॉक नहीं लगते, बस अटका आपने उसमें कुछ कांडी ना किया हो, ठीक है, वायर इधर उधर कटवट करके करोगे तो फिर झटका मारेगा, अदरवाइज ऐसे चार्जर से शॉक नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशु तनेजा की तरफ से, हैशटैग iQOO Z7 में बैटरी कितनी होगी और कितने 5G बैंड सपोर्ट करेगा? बैटरी 5000 mAh होगी, 44W का चार्जर होगा, 5G बैंड अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है कितना सपोर्ट करेगा, ये जब स्मार्टफोन आएगा तभी पता चलता है, तो अभी उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन 5000 mAh की बैटरी होगी। हो गया भाई सारे क्वेश्चन, आप वाला है कि नहीं, कुछ मेरे ख्याल से 16-17 क्वेश्चन लिया था आज मैंने, बहुत ज्यादा।
आप वाला है कि जरूर बताना कैसा लगा वीडियो, ही बता देना पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियो चेक कर सकते हो और साइड में देखो बैक में उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगले वाले एपिसोड में आना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो, पोल के लिए कम्युनिटी सेक्शन में जाओ और पोल करके बताओ कि किसी स्मार्टफोन को खरीदते टाइम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है। जाइए कम्युनिटी सेक्शन में या तो फिर कमेंट में भी लिख के बता सकते हो भाई। एंड अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया करने से, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।